अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आपको इस वीडियो में मैं ट्राउज़र का वन साइड डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, जो देखने और पहनने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। जी फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे मैंने ट्राउज़र की कटिंग की है और उसको इस तरीके से मैंने बिछा दिया है। अब आपने दो दो इंच के फासले पर इस तरीके से निशान लगाने हैं। ये देखिए 6 पे और उसके बाद ये 8 पे मैंने निशान लगा दिए हैं। इस तरीके से आपने 4 निशान लगाने हैं। उसके बाद इस तरीके से आपने तिरछी इसकी लाइनें लगानी है। ये देखिए ये दूसरी लाइन, इसी तरीके से आपने बाकी दो लाइनें भी आपने इसी तरीके से ऐसे तिरछी रख के और पहले अंडरलाइन कर लें। उसके बाद आपने इसके प्लेट बनाने हैं। प्लेट किस तरीके से बनाने हैं, ये देखिए यहाँ पे हमारे जो निशान है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं प्लेट्स की जानिब के प्लेट किस तरह से डलेंगे। तो ये देखिए जहाँ पर निशान लगाया था वहाँ पर आपने 1/2 इंच इस तरीके से आपने इसकी चौड़ाई रख के इस तरीके से आपने प्लेट इतनी चौड़ाई पे आपने डालने हैं। ये देखिए आपके सामने मैंने ये निशान लगा दिया। इस तरीके से आपने इनके प्लेट बनाने हैं, ये 1, 2 और उसके बाद आपने, जी फ्रेंड्स ये देखिए उसके बाद ये जो बाकी दो प्लेट्स हैं ये भी हम इसी तरीके से इतनी ही चौड़ाई से इसको फ़ोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद ऐसे आपने लाइनें लगानी है। ये देखिए हमारे पास ये चारों प्लेट्स कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद ये डोरी हम लेंगे और इसकी जो लंबाई है वो आपने 1 इंच इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरह की डोरी आपने बहुत सारी कटिंग करके रख लेनी है। ये देखिए आपके सामने ये मैंने पहले से कटिंग करके रखी हैं। इस तरीके से आपने डोरी कटिंग करके रख लेनी है। कटिंग करने के बाद आपने क्या करना है कि डोरी को आपने इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। ये देखिए आपके सामने ये मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। फ़ोल्ड करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो प्लेट्स हमने बनाए हैं इसके आपने नीचे रखना है और प्लेट को इसके ऊपर फ़ोल्ड करना है। ये देखिए प्लेट को इसके ऊपर, डोरी के ऊपर फ़ोल्ड कर देना है। ये जिस तरीके से मैंने यहाँ पे रखा है, पहले मैंने डोरी रखी है उसके बाद प्लेट को फ़ोल्ड किया है और उसके ऊपर ये मैंने सिलाई लगा दी है। इसी तरह से आपने थोड़े थोड़े वक्फे पे इसी तरीके से डोरी को लेना है, डोरी को फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के बाद आपने जो प्लेट है उसके नीचे रख के प्लेट को ऊपर फ़ोल्ड करके और आपने सिलाई लगाते जाना है। इसी तरीके से आपने चारों प्लेट्स के ऊपर ऐसे ही डोरी रखते हुए जाना है और प्लेट्स के ऊपर सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए आपके सामने ये जिस तरीके से मैं सिलाई कर रही हूँ, इस तरह से हमारे पास ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। ये देखिए आपके सामने, जी फ्रेंड्स ये देखिए ये अब हमारे पास ये लास्ट प्लेट इसका रह गया है और इसको भी हम ये देखिए कंप्लीट कर रहे हैं। जी फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारे पास ये इसका लास्ट जो प्लेट है वो भी कम्प्लीट हो गया है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, जी फ्रेंड्स जो पांचे के नीचे फैब्रिक है उसको इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए आपके सामने मैं इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करना है और पूरे पांचे पे आपने सिलाई लगा देनी है। ये देखिए आपके सामने ये मैंने पूरे पांचे पे नीचे की तरफ जो फैब्रिक एक्स्ट्रा था उसको फ़ोल्ड किया। फ़ोल्ड करने के बाद ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। उसके बाद ये देखिए हमारा ट्राउज़र डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो गया है। जी ये हमारी सिलाई कम्प्लीट हो गई है और ये हमारा डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो गया। जी फ्रेंड्स, तो कैसी लगी मेरी आपको आज की वीडियो, आज का डिज़ाइन? इस तरह के बहुत सारे डिज़ाइन सीखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट कीजिएगा और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और हमेशा की तरह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।